नमस्कार, मैं हूं गुलफ शाह और आप देख रहे हैं दिल्ली नाइट शाइन। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है, लेकिन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने श्री श्री रविशंकर को मध्यस्थ बनाए जाने पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि श्री श्री रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ बनाया है, लेकिन उनका पहले का एक बयान है जो कि उनको मध्यस्थ बनाए जाने पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुसलमान अयोध्या पर अपना दावा नहीं छोड़ते हैं तो भारत सीरिया बन जाएगा। साथ ही ओवैसी ने आगे कहा कि बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी न्यूट्रल व्यक्ति को मध्यस्थ बनाया होता। आपको बता दें कि AIMIM चीफ ने कहा कि मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि एक मध्यस्थ का विवादित बयान है तो उसे मध्यस्थ नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि श्री श्री अपना पुराना बयान को अपने दिमाग से निकाल देंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए श्री श्री ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सदियों से जारी संघर्ष को समाप्त करना ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सबका सम्मान करना, सपनों को साकार करना, सदियों संघर्ष का सुखांत करना और समाज में समरसता बनाए रखना, इस लक्ष्य की ओर सबको अब चलना है। और अधिक खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली नाइट शाइन।